एक औरत के लिए हैंडबैग एक बहुत ही जरूरी और आवश्यक साधन है, जिसमें शायद उसकी सारी दुनिया समाई हुई होती है। किसी के लिए ये अपना स्टाइल स्टेटमेंट होता है, तो किसी के लिए ये अपनी सभी पोर्टेबल जरूरी चीजों को सुरक्षित स्टोर करने की जगह। लेकिन क्या आपको पता था कि यही हैंडबैग्स को अगर सही तरह से पकड़ा नहीं जाए तो ये गंभीर शारीरिक समस्या खड़ी कर देता है, जैसे कि गर्दन में दर्द, पीठ का दर्द, यहाँ तक कि आपके चाल को भी बदल सकता है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब चलते हो तो आपके पैरों के साथ आपके हाथ भी उसी ओर हिलने चाहिए, लेकिन आप जब हैंडबैग को अपने कंधे पर लटकाते हैं तो आपका वो कंधा हिलता नहीं और आपके दूसरे कंधे को और जोर से हिलना पड़ता है और आपके उस कंधे पर ज्यादा जोर पड़ता है। यह अपने चलने का संतुलन को बिगाड़ता है। अगर हम बहुत समय से ऐसे ही हैंडबैग को शोल्डर पर लटका कर चलते हैं तो ये मसल इम्बैलेंस कर देता है। एक खास मसल पर ज्यादा जोर पड़ता है जिसका नाम है ट्रेपेजियस मसल, जो हमारे गर्दन पर और पीठ के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है। इससे गर्दन और पीठ का दर्द शुरू हो जाता है। तो अब आप समझे कि कभी कभी हमारे हैंडबैग में ज्यादा वजन भी नहीं होता और फिर भी हमारे गर्दन या पीठ में दर्द क्यों शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत भारी हैंडबैग को कंधे पे लटकाकर सफर करते हैं तो सावधान, इससे आपके गर्दन और कमर के हिस्से की मांसपेशी कठोर हो जाएगी, यानी कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नष्ट हो जाएगी। लेकिन इन सब का ये मतलब नहीं कि आप अपने हैंडबैग का इस्तेमाल ही रोक दें। आपको हैंडबैग को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप अपने हैंडबैग के वजन को कम कर दें, अनचाही या काम ना आने वाली वस्तुओं को निकाल दें बैग से। आपके बैग का वजन आपके वजन से 5-10% यानी कि 5-10% ही होना चाहिए। आप बैग को एक ही कंधे पर ना टांगे, बारी बारी दोनों कंधों पर डालें, इससे एक कंधे पर ही जोर नहीं पड़ेगा। ऐसे बैग को खरीदें जिसमें दो प्रकार के हैंडल्स हो, छोटे हैंडल्स कंधे पर बैग को डालने के लिए और बड़े हैंडल्स बैग को क्रॉस में पहनने के लिए। हैंडबैग के हैंडल्स मोटे होने चाहिए जिससे हैंडबैग का वजन बराबर से फैल जाएगा और आपके कंधों पर तनाव भी नहीं पैदा होगा। आप हैंडबैग कैरी करते वक्त सेलफोन का प्रयोग ना करें, इससे आपके कंधों को डबल काम करना पड़ता है और आपके गर्दन और पीठ पर जोर पड़ता है। आप हाई हील्स पहन के वजनदार हैंडबैग्स का प्रयोग ना करें, इससे आपके पीठ पर बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है और आपको पैर और पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। तो हाई हील्स के जूते हैंडबैग्स के साथ ना पहने। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत काम आया होगा और आप अपने हैंडबैग्स को बड़े सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।